बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक इंदिरा भवन में आयोजित हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने की। बैठक में प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक इंदिरा भवन में आयोजित हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने की। बैठक में प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उन्हें इस पद से त्याग पत्र नहीं देने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर हाईकमान को भेजा गया। जिला कांग्रेस ने इस पारित प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से इस पद पर बने रहने का आग्रह किया है। ठाकुर ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत पर सवाल लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत ईवीएम से गड़बड़ी करने पर हुई है, ना किसी अन्य कारणों से। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने की आवश्यकता है। विपक्षी दलों को चाहिए कि अब अगली मांग अगला विश्व के चुनिंदा देशों की तरह चुनाव ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर पर करवाने चाहिए, और अगर फिर भी गौर ना हो तो फिर चुनाव का बहिष्कार करने की बात की जानी चाहिए। उन्होंने बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सहित विश्व के अन्य देशों के आज भी ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में ये चुनाव क्यों संभव नहीं हो सकते। उन्होंने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों से संगठन की एकता वो एकजुटता से कार्य करने के लिए आह्वान किया। राहुल गांधी जी, उन्होंने अपनी पेशकश करी है कि मैं अपना इस्तीफा दूंगा और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उनके पास उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि कोई नया अध्यक्ष चुन लें जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम लोग यदि पूरे देश में अपना कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी एकजुट रह पाएगी। ऐसी स्थिति में जब किसी के ऊपर संकट आता है तो अपने भी प्राय होने लगते हैं, अपने लोग भी भागने लगते हैं, और आज जो मौजूदा स्थिति है, जो मोदी की लहर मानो चाहे मशीनों का घपला माने, कोई तो बात है, इतनी लहर थी नहीं। ये ठीक कहा था किसी नेता ने कि यह रंगाबिला की सरकार है, और रंगाबिला के खिलाफ लड़ना जो है वो उसके लिए जो है हमें बहुत गहराई से और बड़ी ताकत से लड़ने की आवश्यकता है। जिसको सुनामी कहा जाता है, जिस सुनामी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 3-3, 4-4 लाख वोटों से जीत करके आई, ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन ये माहौल मशीनों से तैयार किया जाता है। जब मेरा चुनाव था तो सुबह रिजल्ट निकलना था, लेकिन जो सुभाष ठाकुर जी MLA बने हैं, 6 बजे 7 बजे से काउंटिंग होनी थी शुरू, 6 बजे उनके घर में धाम मरना शुरू हो गई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ये सारी उस वक्त भी हमने कहा था कि ये मशीनों की गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कान खड़े नहीं हुए उस वक्त। लेकिन आज सभी लोग सोचने पे मजबूर है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, इतने ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बन गई। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग और अपोजिशन के लोग पूरे देश में ये सोचने पे मजबूर हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें भविष्य में विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग के पास ये लिखित तौर पे दे देना चाहिए, विरोध कर देना चाहिए कि यदि आप मशीनों से चुनाव कराएंगे तो हम विपक्षी लोग जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे।